पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी फिर भी हमें जानना जरूरी है कि हम लोग आज आपने कोरोना को देखा तो पूरी दुनिया हिल गई थी लेकिन किसी भी रोग निर्माण के कारण को जानना चाहेंगे तो सभी लोग जानना जरूरी है दोस्तों हम सब लोग बीमार क्यों होते हैं वाई डू वी सफर हम रोग बीमार क्यों हो जाते हैं और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में आपके मेरे और दुनिया के सभी लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ खराबियां मौजूद है कितने लोग मेरे बात से सहमत है जल्दी बताना है आपका यस yes, नो no, जल्दी जल्दी लिखना है तुरंत फास्ट लिखना है यह फायर हो जाना चाहिए चैट बॉक्स दोस्तों फायर हो जाना चाहिए जल्दी लिखना है कितने लोग इस बात से सहमत है आपके घर में या आपके परिवार में या आपके आसपास में या आपके समाज में जितने भी लोग आज मौजूद है उनके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की कहीं ना कहीं प्रकार की खराबियां आज की तारीख में शरीर में मौजूद है वो किसी ना तरीके से दस परसेंट हो सकती है पचास परसेंटेज हो सकती है या अट्टी अस्सी या नब्बे प्रतिशत भी हो सकती है उसको हम बोलते हैं खराबियां हो सकता है शरीर के अंदर हृदय के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाता है दोस्तों तो वो हृदय का अंदर ब्लॉकेज नाइनटी भी आ जाता है तब भी लोग सर्वाइव कर सकता है फिर ये नाइन परसेंट ब्लॉकेज रहेगा तो क्या बॉडी हमें बताती है किसी के शरीर में किडनी है और किडनी के अंदर अगर तीस परसेंटेज खराबी आ चुकी है तो क्या किडनी का रिपोर्ट हमें बीमारी का दिखा देगा कि किडनी फेल हो चुकी है किसी का लिवर आज चालीस बीमार हो चुका है किसी का लीवर आज चालीस अंदर से कमजोर या खराब हो चुका है टॉक्सीफाइड हो चुका है तो क्या लिवर के अंदर कोई रिपोर्ट आ जाएगा नहीं सर इसलिए हम कहते हैं हम में से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है कोई भी नहीं है दस से बीस परसेंट तो खराबी हम सभी के शरीर में मौजूद है तो सवाल यह पैदा होता है दोस्तों क्या ये खराबी शरीर में बढ़ने देनी चाहिए कि इसको पहले ढूंढना चाहिए जल्दी बताओ कितने लोग इसको जानना चाहेंगे कि क्या ये खराबी शरीर के अंदर धीरे धीरे कंटिन्यूसली रोज रोज के जीवन में हर समय पर परसेंटेज के अंदर बढ़ती जा रही है क्या ये खराबी बढ़ने देनी चाहिए या इसको पहले से ही उसको ढूंढना जरूरी है इसको देखना जरूरी है इसको जानना जरूरी है कितने लोग यस बोलते हैं जल्दी ये नो। लोग यस यस ढूंढना जरूरी है आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी वेरी गुड यस 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 जानना चाहेंगे और यही है दोस्तों आज के हमारा सेमिनार का आज के वेबिनार का एक सबसे बड़ा आय ओपनिंग पॉइंट और जिसको हम बोलते हैं रहस्य और वो है हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त तरीके से स्कैनिंग को लेकर आना आपकी और आपके शरीर की पहचान करना आपकी और आपके बॉडी की आज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाले समय में एक कैंसर की कोशिका सर पहले आती है लेकिन गाट बनने के लिए पांच साल या दस साल भी लग सकते हैं तो हम चाहते हैं कि पहले से ही हम सतर्क हो जाए और ऐसी चीजों के साथ जुड़ जाए कि ताकि आने वाले समय में इस तरीके के जो जानलेवा बीमारियां होती है जो ला इलाज बीमारियां होती है उस तरीके का रोग हमें से किसी के शरीर में ना हो चलिए एक सवाल आपको पूछता हो हम में से कितने लोग मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से शरीर की तपासनी करना इस बात को महत्व देते हैं कितने लोग इस बात को महत्व देते हैं जल्दी जल्दी बताना है आप में से कितने लोग इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं कि कम से कम साल में एक बार तो बॉडी की स्कैनिंग होनी चाहिए जल्दी बताओ आप में से कितने लोग शरीर स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और वो अपने बॉडी की सर से लेकर पाव तक अपने बॉडी की जांच पड़ताल करने की बात को लेकर आज ज्यादा से ज्यादा सतर्क है और वो मानते हैं इस बात को कि करना जरूरी है यस यस अगर आप भी लिख सकते हैं आप नो भी लिख सकते हैं दैट इज आपका ओपिनियन है या आपका मत है दोस्तों आप नो भी लिख सकते हैं सर ये मैंने एक सवाल पूछा था आपको कि हर साल में कम से कम एक बार आपके पूरे शरीर का जांच पड़ताल करना जरूरी है या नहीं है चलिए दोस्तों इसका तो हम बात कर सकते तो ओपिनियन होता है कुछ लोग यस yes भी बोल सकते हैं कुछ लोग नो no भी बोल सकते हैं कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं जब होगा तब देखा जाएगा अब क्यों जांच पड़ताल करें कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कुछ समाज सुधार के अंदर कुछ लोग इतने जागरूक हैं उनको ये भी पता होता है कि आज अगर मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए आज अगर आप पूरी बॉडी की स्कैनिंग करें मुझे बताइए कितना पैसा लगता है आपके सर से लेकर पाव तक पूरे शरीर की इंटरनल जांच पड़ताल करने के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के माध्यम से मेडिकल टर्मिनोलॉजी के माध्यम से के माध्यम से पूरे शरीर की जांच करने के लिए कितना पैसा लग सकता है आप मुझे अंदाजा बताइए जल्दी जल्दी बताना है कितना पैसा लग सकता है कितना पैसा लगेगा पूरे शरीर की जांच पड़ताल करने के लिए कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है जो भी आपको लगता है वो जरूर लिखना दोस्तों जल्दी लिखना है लेकिन कितना पैसा लगेगा शरीर की जांच करने के लिए कम से कम एक लाख ओके मनहरन लाल लिखते हैं कम से कम एक लाख वेरी गुड थैंक यू थैंक यू मनहरन लाल जी आगे आगे, आगे आप भी बात करिए मैंने बोला है सर की बाल के लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर की अंदर से जांच करना अपने शरीर की खुद के साथ पहचान करना ओके सुषमा जी मैडम लिखते हैं तीस हजार रुपया ओके ओके जल्दी जल्दी आप लिखिए मान लीजिए आपके पास एक लाख रुपया है मान लीजिए आपके पास एक लाख रुपया है क्या ये पॉसिबल है कि आपके सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जांच हो सकती है क्या आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत हो चुकी है कि शरीर का हर हिस्सा को जाकर जांच सकती है क्या इतनी प्रणाली बढ़ चुकी है आगे क्या स्त्री तरीके की कोई यंत्रणा है कि जो आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके शरीर के अंदर स्कैनिंग कर सके इसका जवाब आपके पास है जल्दी बताओ क्या इतनी यंत्रणा पॉसिबल है कि एक लाख रुपया देने के बावजूद भी आपके पूरे बॉडी की स्कैनिंग कर पाए नहीं सर इसका जवाब है नो और आप एक लाख नहीं सर एक करोड़ रुपया रखिए मेडिकल के पास टर्मिनोलॉजी के पास उनके पास रखिए और उनको बताइए सर हमारे पूरे शरीर के अंदर की स्कैन करना है तो एक करोड़ रुपया भी देंगे ना तो वो भी शायद नमकिन ही नहीं है क्योंकि उतना तो अगर बोला जाए तो आज भी सिक्सटी परसेंटेज हमारा शरीर विज्ञान के लिए अनभिज्ञ है विज्ञान के लिए आज भी हमारा सिक्सटी प्रतिशत से ज्यादा शरीर आज हमारा विज्ञान के लिए पूरी तरीके से अनोन है इसलिए कई ऐसे रोग आने वाले समय में आ सकते हैं विज्ञान को उसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर दवाइयाँ के ऊपर दवाइयाँ बनानी पड़ेगी और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सर नो इसलिए मैं कहता हूं कि आज की तारीख में यह पॉसिबल नहीं है चलो फिर भी अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने शरीर की जांच करने के लिए कुछ पैसा लगा भी दिया तो क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकता है इसका कोई गारंटी है नहीं सर ना कितने लोग मानते इस बात को जल्दी जल्दी मेरे सवाल को ध्यान से सुनना आपके पास पैसा है साल में एक बार आपने एंजियोग्राफी की साल में एक बार जाके आपने कुछ ना कुछ टेस्ट टेस्ट की आपने एंडोस्कोपी की कोलोनोस्कोपी की आपने कई तरीके के टेस्ट टेस्ट की आपने एम आर स्कैन किया और आपने डॉक्टर को ढेर सारा पैसा दिया और उनको बोला मेरी शाल के अंदर एक बार जांच करो और उन्होंने पूरा करने के बाद आपसे लाखों रुपया खर्च करने के बाद क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले पांच साल के बाद भी शरीर के अंदर रोग ना होंगे मैं अभी जिंदगी भर स्वस्थ रह जाऊंगा अभी मैंने एक लाख रुपया मेडिकल में दिया है अभी मैंने एक लाख रुपए अस्पताल में डाल दिया है और पूरी जांच पड़ताल हो चुकी है तो आने वाले दस साल अभी मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा आप दावे के साथ बोल सकते हैं यस और नो देखो दोस्तों बहुत ही एक बेहतरीन और सही टॉपिक को मैंने टच किया है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है ना आप, आप सभी लोगों को क्या आप इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं यस और नो बताइए संपूर्ण शरीर का पूरा का शरीर का पूरे के पूरे हमारे बॉडी का इंटरनल नेचुरल तरीके से अगर देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या फुल तरीके का बॉडी चेकअप इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद भी आपको टेस्टेस भी दिख रही होगी इतने सारे इसेंशियल है अलग है बहुत तरीके से नीडेड है ये सारे टेस्ट करने के बावजूद भी हम जिंदगी भर स्वस्थ रहने का स्टैंप लेकर आ सकते हैं नहीं हो सकता सर इसके लिए आप लाखों रुपया भी देंगे करोड़ों रुपए अभी देंगे तो इसका कोई डॉक्टर आपको गारंटी नहीं लिख सकता कि मैंने इतने सारे अभी टेस्ट किए हैं अब आप जाके जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे नहीं सर इसीलिए जानना जरूरी है दोस्तों क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे कि आपके सर से लेकर आपके पांव तक आपके बाल के मतलब दो, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर को अंदर से देखना कितने लोग चाहते हैं और उसको हम कहते हैं जांच करना कितने लोग चाहते हैं उस रहस्य को जानना कितने लोग चाहते हैं कि जो एट ए टाइम आपकी पूरे बॉडी की इंटरनल छानबीन करेंगे 24 करते ही रहेंगे और इतना ही नहीं आने वाले कई सालों तक आपको स्वस्थ बनाए रखने की एक संभावना बढ़ाकर देंगे कितने लोग यस जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी यस और नो इस तरीके का सोल्यूशन कितने लोग जानना चाहेंगे कि जाकि आने वाले समय पर इस तरीके के रोग ना भी हो और आज से अगर मैं इसका शुरुआत करूं तो अभी से दस परसेंटेज भी बॉडी के अंदर खराबी हो कितना परसेंटेज दस परसेंटेज भी शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी आ चुकी हो तो उसको भी शरीर से बाहर निकाल फेंके अगर पांच परसेंटेज भी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ चुका हो तो अभी से सतर्क होना इसको मैं कहता हूं जानना चाहेंगे आप इस रहस्य को ताकि आने वाले समय में हृदय रोग ना हो कैंसर की कोशिका आज बन चुकी है बॉडी के अंदर लेकिन एक ट्यूमर बनने से पहले ही मैं उसको देख भी पाऊ या उसको शरीर से बाहर निकालकर आने वाले समय में इस तरीके के रोग शरीर में आने से अपने आप को बचा पाऊ यस और नो क्या ये जरूरी है या नहीं है जल्दी जल्दी सभी लोग यस लिख रहे हैं और ये सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है द नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई यूर बॉडी इन माइक्रो लेवल आइडेंटिफायर हर्ब बोला जाता है इसको दोस्तों मैं ज्ञानो डरमा कभी नहीं कहता जड़ी बूटियों का राजा बोल सकते हो संजीवनी भी बोल सकते हो लेकिन मैं आप इसको बोलता हूं आइडेंटिफायर हर्ब दुनिया की एकमात्र ऐसी जड़ी बूटी जिसको आइडेंटिफाई करने की ताकत है दुनिया की एक एकमात्र जड़ी बूटी है कैसी वनस्पति जो सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर के अंदर जाकर पूरे शरीर को अंदर से जांच करने की क्षमता रखती है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर हर्ब नबी समय आ चुका है दोस्तों वो समय आ चुका है कि हमारे पूरे शरीर को अंदर से जांच करना क्या जांच करना चाहते हैं वो भी देखेंगे कौन कौन के तरह से जांच होगी ये भी देखेंगे आगे बढ़ते हैं लेकिन ये और नो जांच करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये और नो अगर आपको एक ऐसा जड़ी बूटी मिल जाए जो आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर की सुरक्षा करने में मदद करे पूरे शरीर की जांच कर कर उन सभी रोग निर्माण के कारणों को शरीर से बाहर निकाल फेंकने की ताकत रखे तो क्या आप उसको अपनाना चाहोगे ये सवाल मेरा पूरी दुनिया के लिए दोस्तों जितने भी लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए सवाल है दोस्तों क्या आप ऐसी वनस्पति के साथ जुड़ना चाहोगे जो आने वाले समय में किसी भी रोग निर्माण के कारणों को आज ही आज ही पकड़कर उसको शरीर से बाहर निकाल फेंके यस 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 जल्दी जल्दी दोस्तों आई एम वेरी डैम एक्साइटेड हूं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड उस बात को उस रहस्य को आपके सामने लेकर आने के लिए मैं आपसे भी जानना चाहता हूं आप भी एक्साइटेड रहे चार्ट बॉक्स के अंदर थैंक यू थैंक यू